दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीति तेज है, जहां एक तरफ दिल्ली सरकार यमुना पे छठ घाट की तैयारियों में जुटी हुई है और उनके जो विधायक हैं वो छठ घाट का मुआयना भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो यमुना की सफाई को लेकर सवाल कर रही है। हमारे साथ खुद आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हैं। संजीव जी, एक तरफ तो आप लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, आप हमने देखा कि घाटों पर आप मंत्री भी घूम रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आप लोगों ने यमुना की सफाई नहीं की और जो व्रती जो महिलाएं होंगी वो इसी गंदे पानी में स्नान करेंगी पूजा के दिन। देखिए, अभी आप हाथी घाट में हैं, अपने कैमरा घुमाकर दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे कोई झाग नहीं है। और इसी तरह से जितने भी घाट हैं, मैं कुछ घाट के नाम कह देता हूँ जहाँ पर बड़े लोग व्रती आते हैं, वह है कुदेशिया घाट, वह है श्याम घाट, वह है बजरंगी घाट, वह है सूर घाट, आप जाकर वहाँ भी कैमरा दिखा दीजिएगा, किसी तरह की कोई झाग नहीं है। बीजेपी के नेता पहुंच गए थे कालिंदी कुंज पे, जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता, और हर बार पहुंच जाते हैं वो वहाँ पे, और वहाँ का झाग दिखाते हैं कि यमुना बहुत गंदा, चूँकि इनको यमुना गंदा नहीं है, उनकी नियत गंदा है, वो गंदी राजनीति करना चाह रहे हैं। व्रती को भी पता है, आयोजक को भी पता है कि पूजा ठीक से हो रहा है, अच्छे से पूजा का आयोजन कराया जा रहा है, तो वो गंदी राजनीति और गंदी नियत उनको मुबारक। हम अच्छी आस्था के साथ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि छठी मैया की विशेष कृपा रहेगी कि आयोजन ठीक से हो पाएगा। कल मनोज तिवारी पहुंचे हुए थे कालिंदी, वहां पर उन्होंने दिखाया कि सिलिकॉन जैसे केमिकल्स का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो गंदगी को या उसको कम करने की, फोम को कम करने की कोशिश की जा रही, इस पर क्या सच्चाई है और क्या इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है? देखिए, मैं मनोज जी को बहुत कोई सीरियस नेता नहीं मानता, हालांकि वो अच्छे कलाकार हैं, पूर्वांचल से आते हैं, मैं भी उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, उनका गाना सुनता रहा हूँ, उनका एक्टिंग देखता रहा हूँ, तो ऐसे तो मैं प्रशंसक हूँ मैं उनका, लेकिन मैं कोई सीरियस नेता उनको नहीं मानता। वो पहले दिन गए होंगे वहाँ पे, और पहले दिन गए होंगे तो फ्यूमिकेशन देखा, उन्होंने कहा फ्यूमिकेशन अब हो रहा है, वहाँ रेगुलर फ्यूमिकेशन हो रहा है, और जिस फ्यूमिकेशन मटेरियल की बात कर रहे हैं वो नमामि गंगे में कंसिडर्ड मटेरियल है, तो मुझे लगता है कि अगर वो बहुत जहरीला होता तो वहाँ कंसिडर नहीं किया जाता, एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई पूजा का आयोजन नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आप अगर जहाँ पूजा का आयोजन नहीं हो रहा है वहाँ जाते हैं तो आप पूजा को देखने नहीं जा रहे, आप राजनीति करने जा रहे हैं। आप हाथी घाट आ जाते, आप श्याम घाट चले जाते, आप सुर घाट चले जाते, कुदेशिया घाट चले जाते, बजरंगी घाट चले जाते, तो आप पूजा का आयोजन देखते, तैयारी देखते, पता चलता है कि दिल्ली सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि कम से कम मनोज तिवारी जी पूर्वांचल साथ हैं, उनको बचना चाहिए था इस तरह की गंदी राजनीति का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छठी मैया की आस्था को भी जानते हैं और उनकी महिमा क्या वो भी जानते हैं। अरे, यहाँ झूठ फैला करके लोगों को बता दोगे, ऊपर कैसे बताओ? लेकिन मैं कोई सीरियस नेता उनको नहीं मानता। वो पहले दिन गए होंगे वहाँ पे, और पहले दिन गए होंगे तो फ्यूमिकेशन देखा, उन्होंने कहा फ्यूमिकेशन अब हो रहा है, वहाँ रेगुलर फ्यूमिकेशन हो रहा है, और जिस फ्यूमिकेशन मटेरियल की बात कर रहे हैं वो नमामि गंगे में कंसिडर्ड मटेरियल है, तो मुझे लगता है कि अगर वो बहुत जहरीला होता तो वहाँ कंसिडर नहीं किया जाता, एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई पूजा का आयोजन नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आप अगर जहाँ पूजा का आयोजन नहीं हो रहा है वहाँ जाते हैं तो आप पूजा को देखने नहीं जा रहे, आप राजनीति करने जा रहे हैं। आप हाथी घाट आ जाते, आप श्याम घाट चले जाते, आप सुर घाट चले जाते, कुदेशिया घाट चले जाते, बजरंगी घाट चले जाते, तो आप पूजा का आयोजन देखते, तैयारी देखते, पता चलता है कि दिल्ली सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि कम से कम मनोज तिवारी जी पूर्वांचल साथ हैं, उनको बचना चाहिए था इस तरह की गंदी राजनीति का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छठी मैया की आस्था को भी जानते हैं और उनकी महिमा क्या वो भी जानते हैं। अरे, यहाँ झूठ फैला करके लोगों को बता दोगे, ऊपर कैसे बताओगे, उनको कैसे समझाओगे? तो आपको लग रहा है कि राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि आने वाले दिनों में MCD का चुनाव है दिल्ली में? मुझे लगता है कि हाँ, कुछ कोशिश कर रहे हैं, पर दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता सब समझती है कि झूठ किया है और सच किया, और इनकी नीति और नियत को भी जनता जानती है, तो इस तरह के झांसे में दिल्ली कम से कम पूर्वांचल के लोग तो नहीं आने वाले, पूर्वांचल के लोगों को धोखा से बार कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा, क्या तैयारियाँ क्या है इस बार छठ पूजा को लेकर सरकार की, आप लोगों की, और किन किन घाटों पर पूजा होगा? क्योंकि ये भी खबर है कि शायद कालिंदी कुंज घाट जो है उस पर परमिशन नहीं मिली है पूजा करने की। हाँ, कुछ जगहों पर जहाँ दलदल था, जहाँ डीप वाटर था, वहाँ पर आयोजन का नहीं करने दिया गया है, लेकिन अब बाकी जगहों पे पूजा का आयोजन हो रहा है। 1078 और वो जगह जहाँ पे कृत्रिम घाट या नेचुरल पॉन्ड है, उन सब जगहों पे बहुत अच्छे से पूजा हो रहा है। ठीक है, तो ये संजीव झा थे जो ये कह रहे थे कि तैयारियां जो दिल्ली सरकार द्वारा वो बहुत जोरों पर है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह जो JCB मशीन है वो ITO का ये घाट है जहाँ पर छठ पूजा आने वाले दिनों में होगा, और तैयारियां जो हैं वो सरकार जोरों से लगी हुई है, और मंत्री भी यहाँ का मुआयना करके गए हैं। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजनीति है छठ पूजा को लेकर वो इस बार ज़्यादा जोर पकड़ी हुई है क्योंकि आने वाले दिनों में MCD का चुनाव है, ऐसे में पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनाव में। तो जो दोनों ही पार्टियाँ, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इस बात को साबित करने में लगी हुई हैं कि वो पूर्वांचल के हितों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और जो छठ का जो पर्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है पूर्वांचल के लोगों के लिए, और ऐसे में दोनों ही पार्टियां इस छठ पूजा में पीछे होते हुए नहीं दिखना चाहती।
नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अवैनाश सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।